अब सीधा रुख करते हैं भारतीय बाजार का। तो कारोबारी सत्र के आखिरी घंटे में बाजार में निचले स्तर से खरीदारी देखने को मिली और निफ्टी 10,600 के पार निकल गया। हालांकि छोटे मझौले शहरों में कोई खास हलचल नहीं देखने को मिली। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 160 अंक और निफ्टी 47 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। कारोबार और बाजार पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते मेरे सहयोगी रजत देवगन के पास। रजत, बताएं हफ्ते के आखिरी कारोबारी सेशन में बाजार में कहां हलचल दिखी? देखिए, कोई बहुत बड़े फायरवर्क्स नहीं थे, लेकिन निचले स्तरों से रिकवर हो गए यही बहुत बेहतर था। और इनफैक्ट 11,600 के लेवल के ऊपर जाना ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव समझा जा रहा है। अब अगला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इन्फोसिस टीसीएस के नतीजों का इंपैक्ट देखने को मिलेगा और उसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, आईएमडी फोरकास्ट, ये बड़े इवेंट्स हैं जो अगले हफ्ते रूल करेंगे। लेकिन 11,643 के लेवल की क्लोजिंग है निफ्टी पे 46-47 अंक बढ़कर, और निफ्टी बैंक लगभग 152 पॉइंट्स बढ़कर बंद हुआ है आज 29,938 के लेवल पे। जो चढ़ा उसमें था आईटीसी, आज जोरदार एक्शन में था और निफ्टी पे ज्यादा पकड़ मजबूत थी आईटीसी की, उसके बाद था गेल। इसके अलावा मारुति सुजुकी और जी एंटरटेनमेंट ने भी प्रोवाइड किया सपोर्ट। लेकिन जो गिरावट देखने को मिली उसमें इंडिया बुल्स हाउसिंग, हम एक्सपेक्ट ही यही कर रहे थे कि इस हफ्ते इस स्टॉक में बहुत करेक्शन देखने को मिलेगी और बिल्कुल उसी तर्ज पर ट्रेडिंग हुई है इस हफ्ते। आईओसी, एलएनटी और टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स पर भी दबाव बनता हुआ नजर आया। एफएमसीजी लीड कर रहा था आईटीसी, इसके अलावा ब्रिटानिया, ज्योति लैब्स और गोदरेज कंस्ट्रक्शन में कंज्यूमर्स में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही थी। ऑटो शेयर्स ये था सेक्टर जहां पर आज के सत्र में रफ्तार बहुत तेज थी। टीवीएस मोटर, मारुति सुजुकी, अशोक लेलैंड, इन तमाम स्टॉक्स में 1.5% से लेकर 3% तक की कमाई और आयशर मोटर्स भी अंतिम चरणों में अच्छी तेजी पकड़ता हुआ नजर आया। बैंकिंग शेयर्स थोड़ी सी खरीदारी बनती हुई नजर आई जिसमें एक्सिस बैंक, आरबीएल बैंक और सिंडिकेट बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक्स तेज थे। पीएसयू बास्केट में खरीदारी थी, पीएसयू स्टॉक्स खुद बहुत तेज थे जैसे कि बीएचईएल, गेल, आरईसी, पीएफसी, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे सरकारी खेमे में जहां पर आज के सत्र में एक्शन तेज था। और कुछ छोटे मझौले स्टॉक्स, पीसी ज्वेलर जोरदार एक्शन में, एक हफ्ते में 30% का रिटर्न डिलीवर किया है स्टॉक ने। इसके अलावा स्पाइस जेड फूड्स एंड इन्स, यहां पर राधाकिशन दवानी की स्टेक खरीदने की खबर से इस स्टॉक में 20% का सर्किट लगा और साथ साथ अदानी पार, यहां पर भी 4.5% के रिटर्न मिले। जी बिल्कुल रजत, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।